गाइस जल हमने चढ़ा दिया है। एंड दोस्तों हम लोग एक टीम में 10 जने थे, सब लोग जल चढ़ा लिए हैं। बढ़िया स्नान कर लेते हैं कुंड में और उसके बाद गाइस यहाँ चल कर जल चढ़ाया जाएगा। कैसा लग रहा पानी, ठंडा है? अभी मैं वापस आ गया हूँ फोटो वगैरह खिंचवाने के लिए। दोस्तों देख सकते हैं यही है देवकुट धाम भाई मंदिर, एकदम एक जैसा ही भाई, एक जैसा सेम एकदम एक जगह और बना हुआ। ये अभी नए शिव जी अभी निकले थे खुदाई के टाइम में। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस अभी हम लोग है बिहार में। दोस्तों अभी अभी झारखंड का बॉर्डर पार कर चुके हैं गाइस। हम लोग अभी गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं। दोस्तों अभी हम लोग जंगल घाटी पार कर रहे हैं बिहार। सो गाइस आज कुछ स्पेशल दिखाने वाला हूँ मैं वीडियो में। दोस्तों हम लोग अभी जा रहे हैं बोध गया राजगीर। दोस्तों राजगीर में हम लोग जाएंगे, टेम्पल ब्रिज घूमेंगे और वहाँ पे और जाए देखते हैं वहाँ पे क्या टिकट है। एंड गाइस वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा। एंड दोस्तों वहाँ पे मैं आज से पहले कभी गया नहीं हूँ, तो भाई पहली बार मैं जाने वाला हूँ। तो गाइस देख सकते हैं इधर का भाई मौसम कितना खूबसूरत है। एंड दोस्तों यहाँ का भाई पेड़ पौधे भाई हरियाली बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों इधर भाई बारिश अभी भी यानी कि बारिश का टाइम चल रहा है, मौसम चल रहा है। और अगर गर्मी का टाइम होता तो ये सारे पेड़ पौधे गाइस सूखे नजर आते, मगर भाई इधर मस्त घाटी है और भाई इधर जंगल में भाई कुछ भी निकल सकता है। दोस्तों हम लोग दिन में चल रहे, कोई दिक्कत वगैरह है नहीं, डर वगैरह है नहीं। तो अभी हम लोग बोलबम यानी कि देवघर से छूट के और चल रहे हैं। दोस्तों 3 से 4 दिन हो गए थे, तो अब शायद 4-5 दिन घर पहुँचेंगे। हम लोग गया घूम के उसके बाद गए घर पहुँचेंगे। तो चलो अब चलते हैं, लास्ट ब्रिज घूमेंगे और वहाँ पे घूमते थे और जाए जाएगा। तो पहले हम लोग जाना था हमको टुकड़ा भवानी। दोस्तों टुकड़ा भवानी हम नहीं गए क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा दूर हो गया था वहाँ से, जहाँ से हम लोग देवघर से 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा पड़ रहा था गाइस। तो और भी ज़्यादा लेट हो जाते हैं, घर पे घर वालों का फोन आ रहा था, इस कारण से हम लोग कैंसिल कर दिए प्लान और दूसरा प्लान बना लिए कि भाई अब जाएंगे हम लोग पेपर भी घूमने के लिए। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नज़ारा, क्या खूबसूरत नज़ारा है गाइस। दोनों साइड पेड़ पौधे हैं और भाई ऊपर देख सकते हैं बादल ही बादल हो रखा है, कोई ठीक नहीं है गाइस। इधर बारिश कब हो जाए और कब बंद हो जाए, कब तेज हो जाए, बारिश कोई ठीक नहीं है, मगर अभी मौसम ठीक ठाक है। दोस्तों अभी इधर मैट ट्रक भी चल रहा है भाई। अभी आ गए हम लोग सोनो थाना, तो यहाँ से सोनो थाना का सीमा है जो गाइस प्रारंभ हो रहा है। यहाँ से गाइस घाटी और पहाड़ बहुत ही ज़्यादा यानी कि मिलेगा, इससे पहले अभी मिला था जंगल और अब मिलेगा भाई घाटी ही घाटी। तो देख सकते हैं भाई घाटी का व्यू, पहाड़ी को भाई घाटी बोला जाता है। दोस्तों देख सकते हैं हमारे मैनेजर साहब बैठ गए हैं अभी साइड में आके बोल रहे हैं भाई मौसम का मज़ा लेने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो भाई स्कॉर्पियो बोलेरो यानी कि बोलेरो को पीछे कर चुका है हमारा गाड़ी। हमारा गाड़ी चलता है 80 की स्पीड में, वो लोग चलता है 40 की स्पीड में। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ और हुआ था कि गाइस स्कॉर्पियो को पीछे कर दिए थे हम लोग। अभी पीछे 4 लाइन रोड भी है, तो भाई 2 लाइन रोड है, पीछे 4 लाइन रोड था, क्योंकि भाई घाटी है तो घाटी में थोड़ा दिक्कत। देख सकते हैं क्योंकि भाई कोई ठीक नहीं है इधर, कौन सा जानवर कब निकल के आ जाए रोड पे। एंड दोस्तों हाथी वगैरह इधर हमेशा रहता ही होगा क्योंकि पूरा खाई है साइड में। इधर देख सकते हैं पूरा पहाड़ी इलाका है और पत्थर पत्थर घूम घाम इलाका भाई बहुत ज़्यादा है इधर। एंड दोस्तों इधर लिखा हुआ है कि भाई डोंट ड्राइव ड्रिंक यानी कि दारू की गाड़ी ना चलाए। दोस्तों बिहार में दारू का तो नाम सामने है दोस्तों इधर। चलो गाइस गाइस अभी हम लोग रुके हुए हैं घाटी पूरा पार करने के बाद। दोस्तों मस्त एकदम देख सकते हैं मट्टी के इस टपरी में मिला है चाय एकदम गर्मा गर्म, तो चाय पीने में मजा आ रहा है। और दोस्तों हम लोग ऊपर बैठे हुए गाड़ी के, यहाँ पे भाई लिप्टस का पेड़ है बहुत बड़ा बड़ा एकदम देख सकते हैं, हाइट भाई कुछ ज्यादा ही है लिप्टस का पेड़ है जो। चलो अब यहाँ से चाय पी के फिर गाइस यहाँ से चला जाएगा। फाइनली गाइस हम लोग अभी रुक गए हैं, एक नदी है गाइस देख सकते हैं पूरा बालू बालू और नदी में भाई पानी आ रहा है मस्त एकदम, गाड़ी लगा दी उधर साइड में। एंड दोस्तों अब इसके अंदर नहाया जाएगा बढ़िया, और हमारे जो साथी लोग हैं सब नहा रहे उधर गाइस। चलो नहा लेते हैं, अभी शाम के बज गए हैं 4:30 गाइस। यहाँ से भाई 120 किलोमीटर बचा है राजगीर, तो चलो पहले नहा के उसके बाद भाई निकला जाएगा यहाँ से। कपड़ा वगैरह सब यहाँ पे भाई हमने रख दिया है, बैग वगैरह हमारा
यहाँ पे और भी बोलबम के जो साथी लोग है वो लोग नहा रहे हैं। भाई हमारा खाना बन रहा है, गाड़ी लगा दी हमने इधर मंदिर के पास में, और राजगीर यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पे अभी जाके भी हम लोग आए थे। तो दोस्तों टिकट मिल नहीं रहा, देखा जाएगा सुबह क्या होता है। देख सकते हैं यहाँ पे खाना बन रहा है, दाल बन रहा है, अभी चावल बन के रेडी हो गया, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए गाइस। खाना पीना बनाया जाएगा, सारा आइटम इधर ला के रखा गया है, और देख सकते हैं सब्जी भी रेडी है। चलो अब खाना बनेगा, उसके बाद सोया जाएगा बढ़िया खा पी के। हाँ तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए देवकुंड धाम पे। गाइस राजगीर का प्लान कैंसिल हो गया, वहाँ पे भाई घर से बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहा था सब लोगों का, सब लोग अभी आ गए देवकुंड धाम में, और यहाँ पे भाई नहाया जा रहा है बढ़िया। तो देख सकते हैं गाइस देवकुंड धाम का पानी कुछ इस प्रकार का है, यही कुंड है देवकुंड धाम का, और मंदिर उधर है, नहा धो के भी जल चढ़ाया जाएगा। तो हम लोग जो जल लेकर आए हैं वही गाइस चढ़ाएंगे शिव जी पे। सो गाइस जो देवघर है वो और ये देवकुंड धाम है और देव मंदिर, ये तीन चार मंदिर भाई एक साथ ही एक ही दिन बना था दोस्तों, इसका कहानी बहुत लंबा चौड़ा है। तो भाई चलो नहा लेते हैं बढ़िया, स्नान कर लेते हैं कुंड में, और उसके बाद गाइस यहाँ चल कर जल चढ़ाया जाएगा। कैसा लग रहा है पानी, ठंडा है? फाइनली गाइस जल हमने चढ़ा दिया है, एंड दोस्तों हम लोग एक टीम में 10 जने थे, सब लोग जल चढ़ा लिए हैं, और अभी मैं वापस आ गया हूँ फोटो वगैरह खिंचवाने के लिए। एंड दोस्तों देख सकते हैं यही है देवकुंड धाम भाई, मंदिर एकदम एक जैसा ही भाई, एक जैसा सेम एकदम एक जगह और बना हुआ है। ये अभी नए शिव जी अभी निकले थे खुदाई के टाइम में, वो देख सकते हैं वो कुंड है, वो उधर हवन करने वाला है गाइस। उधर देख सकते हैं ये पीपल का पेड़ है, और सामने जो कुंड था वो तो है ही, यहाँ से एंट्री था मंदिर में, यहाँ से एंट्री करके। एंड दोस्तों जो मेन मंदिर है वो अंदर है। चलो अब गाइस चलते हैं यहाँ से, और बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, घर पर भी गाइस जाना है, 5 दिन से हम लोग निकले हुए हैं। गाइस फोटो वोटो खिंचवा लिए हैं, और अब गाइस देख सकते हैं नाश्ता पानी चल रहा है। तो कचौड़ी है, और गाइस कचौड़ी है, जलेबी है, उसका नाश्ता पानी चल रहा है यहीं पे पेड़ के नीचे एकदम मंदिर के जस्ट आगे। इधर पूरा रोड अभी खाली हुआ है गाइस, इधर पहले बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ था। हम लोग ले लिए हैं गर्मा गर्म लिट्टी और चना का छोला है मस्त एकदम, ये गाइस खाया जा रहा है। हाँ तो ये कैसा लग रहा है खाने में, गर्मा गर्म एकदम एक नंबर लग रहा है गाइस खाने में। इसी का नाश्ता करके गाइस हम लोग अब निकलेंगे यहाँ से। वो लोग देख सकते हैं वहाँ पे नाश्ता पानी कर रहे हैं, एकदम गर्मा गर्म छान रहे हैं बाबा जी। गाइस हम लोग नाश्ता पानी करके जल चढ़ा के और निकल चुके हैं अभी, और जा रहे हैं अब घर पे गाइस। तो आज पूरा मार्केट में उतरा जाएगा और फिर घर चला जाएगा। तो चलो सब मेरे साथ मिल के बोलो जय शिव, हम बोले जोर से बोलो। देख सकते हैं गांव का रोड किस प्रकार का है, अभी हाईवे पे चल रहे थे, अभी गांव घर के रोड में चल रहे हैं। देखो